नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। हमने अक्सर देखा है जब किसी की डेथ होती है तो मातम मनता है, लोग रोते हैं, दुख जताते हैं। लेकिन हाल ही में एक अलग ही शव यात्रा देखने को मिली। राजस्थान में ये शव यात्रा निकाली गई, जहां पर शव ले जाते टाइम बलून्स लगाए गए, पटाखे फोड़े गए, डांस हुआ और तो और बॉलीवुड के फिल्मी गाने भी बजे। आखिर कौन ये शख्स था, किसकी डेथ हुई और क्यों लोग इसकी डेथ पर दुखी होने के बजाय जश्न मना रहे थे, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि ये मामला अलवर के मालाखेड़ा पृथ्वीपुरा गांव का है। इस गांव में ही ये अलग ही तरह की शव यात्रा निकाली गई। कहते हैं कि इंसान अगर 100 साल जी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और 100 साल में मरना उसके लिए दुख नहीं जताया जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि एक अच्छी जिंदगी वो जी कर गए। अलवर में ऐसा ही कुछ हुआ। अलवर में रहने वाली सबसे एजेड महिला, जिनकी उम्र 105 साल थी, उनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ को सेलिब्रेट इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने इतनी लंबी उम्र देखी कि इन्होंने अपने परिवार की 7 पीढ़ियां अपने सामने देखी। 105 वर्ष की इस बुजुर्ग महिला का नाम रूपा देवी है। रूपा देवी की ही शव यात्रा को जश्न से निकाला गया। सबसे बड़ी बात, वो लता मंगेशकर के गाने सुना करती थी, इसीलिए उनकी शव यात्रा में लता मंगेशकर जी के गाने बजाए गए। हमने अक्सर देखा है कि शव यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती, लेकिन रूपा देवी की शव यात्रा में गांव की सभी महिलाएं भी शामिल हुई क्योंकि ये एक अहम मौका था। बात करें रूपा देवी के परिवार की, तो उनके परिवार में 150 लोग हैं। 4 बेटे, 17 पोते, 34 परपोते, 6 सड़पोते। ये तो सिर्फ आदमियों की बात है, महिलाएं और अलग। इनकी 3 बेटियां हैं और उन बेटियों का भी परिवार है। इनके सबसे बड़े बेटे की उम्र 80 साल है और बाकी 3 बेटों की उम्र भी 70 से ऊपर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूपा देवी का जो परिवार है वो एक अच्छा खासा वोट बैंक है। 150 लोगों के इस परिवार में 82 लोग ऐसे हैं जो 18 की उम्र के ऊपर है। फैमिली में पढ़ लिख कर नौकरी करना और सरकारी नौकरी करने का भी चलन है। 15 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें 11 लोग तो पुलिस ऑफिसर्स ही हैं। और जब इतना फला फूला हुआ परिवार रूपा देवी ने अपनी आंखों से देखा है, इतना लंबा समय उन्होंने गुजारा है, तो उनकी डेथ पर लोगों ने दुख नहीं जताया, लोगों ने खुशी जताई कि इस तरह की जिंदगी मिलना आम बात नहीं।